If you want to look very demure, very cutesy, have this gorgeous volume blowout, then keep on watching this video, guys, and also make sure you save it because ये video बहुत ही detail में बनाई है मैंने, and I am using my blowout brush over here. This easily has become one of my favorite hair styling tools, guys. Trust me when I tell you, मेरे पास तकरीबन हर टाइप का, चाहे वो कर्लिंग वॉन्ड है, ब्लो ड्रायर है, स्ट्रेटनर है, आई हैव ऑल काइंड्स ऑफ हेयर टूल्स, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट दिस हैज़ बिकम माय लिटरली माय फेवरेट हेयर टूल. सबसे पहले मैंने बालों को सेक्शन कर लिया है एंड सेक्शन बाय सेक्शन मैं बालों में ब्रश को लेके जा रही हूँ. एंड मेक श्योर योर हेयर इज़ अबाउट 80% ड्राई व्हेन यू यूज़ दिस. एकदम पूरे ड्राई भी नहीं होने चाहिए और पूरे गीले भी नहीं होने चाहिए फॉर यू टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. एंड मेक श्योर योर यूज using your heat protecting spray before you start doing this. So again, मैं section by section लेके जा रही हूँ बालों में. This is a very optional step that you can see over here. The मैं straightener से अपने बालों को further smooth कर रही हूँ. मेरे को किसी party पर जाना था, but you can really skip it as well. Once you're happy with how the bottom section is looking, you can remove the rest of the hair and then again divide them into two. Front pieces को हम बिल्कुल end में करेंगे because that is your money piece. I will show you how to properly do that towards the end, but for now hum kya kar rahe hain, agar aap dekho main dry brush ko roots ke paas leke aake aur ekdam upar leke ja rahi hu because gravity brings everything down, so hame chahiye volume. Aur again make sure aap brush ko bahut aaram se move kar rahe ho, ends ke upar bar bar kaam kar rahe ho. Again yahan pe bhi agar aap dekho main sides mein, I am taking the brush parallel to my hair instead of bringing it down, because अगर आप सीधा नीचे ले आओगे तो बाल फ्लैट लगेंगे. अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो यू क्रिएट लाइक अ सी काइंड ऑफ शेप. अगेन ऑन दी अदर साइड देख लो, जिन लोगों को ईजिली समझ नहीं आता उनके लिए मैं दोबारा दिखा रही हूँ. सी हाउ माई हैंड्स आर मूविंग. मेक श्योर आप अपने बालों को नॉट फ्री हो जब आप ये कर रहे हो, अदरवाइज बाल अड़ेंगे ब्रश में. अगेन गोइंग इट इन माई स्ट्रेटनर एंड स्लीकिंग इट इवन मोर. अगेन आई एम अ परफेक्शनिस्ट, यू डोंट नीड टू डू दिस. अगेन नाउ कमिंग बैक टू द फ्रंट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द हेयर. अगेन मैंने इसको सेक्शन दो में डिवाइड कर लिया है बिकॉज आई डिड वॉन्ट टू क्रिएट मोर एंड मोर वॉल्यूम. मेक श्योर दिस पीस को आप फ्रंट से, बैक से, अच्छे से, सब तरफ से आप इसको ब्लो ड्राई करें जैसे कि आपकी हेयर ड्रेसर करती हैं, एंड देन लेट इट गो. एंड फॉर द फाइनल पीस मैं पहले इसको बैक में कर रही हूँ, फिर फ्रंट में लेके आ रही हूँ. एज यू कैन सी ओवर द हेयर, आई एम ओवर डायरेक्टिंग द हेयर, और फिर मैं इसको बैक की तरफ ले जाऊंगी टू क्रिएट दैट ब्यूटिफुल वॉल्यूम. एंड वेन यू आर हैप्पी विद हाउ इट इज लुकिंग, यू नो दैट देन यू हैव योर हेयर डन. इफ अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे पीसेज हैं जिससे आप खुश नहीं है, मेक श्योर यू गो बैक एंड रीडू दैम. मेक श्योर इफ द होल हेयर स्टाइल इज मैरिड टूगेदर. इफ यू कैन सी ओवर हियर हाउ गोर्जियस हैव माई हेयर स्टार्टेड टू लुक. मुझे पीछे कुछ वॉल्यूम कम लग रही थी, सो आई एम गोइंग बैक अगेन विद द पीसेस. यस, देयर यू हैव इट. दिस इज़ हाउ यू ब्लो ड्राई योर हेयर एट होम. दिस इज़ अ ग्रेट टूल टू हैव. लेट मी नो इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स गाइज, एंड लेट मी नो वट अदर वीडियो दैट आई कैन मेक फॉर यू. टिल देम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेक श्योर यू फॉलो मी फॉर मोर.